इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये बात साफ हो गई है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने साफ तौर पर बंसल न्यूज पर इस बात का खुलासा कर दिया है कि सुमित्रा देवी कासडेकर, जो थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस की विधायक थी, शाम होते होते बीजेपी के खेमे को ज्वाइन करने जा रही हैं। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन के दौरे पर हैं, बताया जा रहा है जैसे ही वापस आएंगे उनकी मुलाकात सुमित्रा देवी से कराई जाएगी। भदौरिया साहब का कहना था वो खुद लेकर उन्हें पहुंचेंगे, वीडी शर्मा भी वहां पर होंगे और उसके बाद उन्हें बीजेपी की आधिकारिक तौर पर सदस्यता दिलाई जाएगी। तो कांग्रेस का एक और विधायक बीजेपी के खेमे में, कुल आंकड़ा 24 और अब कुल उपचुनाव की संख्या मध्य प्रदेश में आज की तारीख तक 26 कही जा सकती है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो फाइनल संख्या क्या होगी जिस पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मध्य प्रदेश में घटनाक्रम बदल रहा है।